कलामे मुकद्दस में से जबूर की किताब और उसका 91वीं जबूर हम पढ़ेंगे। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतले के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पना और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पना मिलेगी, और उसकी सच्चाई ढाल और सिर पर है। तो न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू तो अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू आए खुदावंद, मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वो बात तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाओं को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बबर और अफाई को रौंदेगा, तू जवान चीर और अजदहा को पामाल करेगा। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से असुदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदावंद का पाकलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो, आमीन।